तो कल पूरा दिन लाइट नहीं थी और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बिना फ़ोन के नहीं रह जाता है, मुझसे तो नहीं, मतलब आदत थोड़ी देर चेक ही कर लो, बट आदत है फ़ोन की, एडिक्टेड हूँ, सीधी बात। पर क्योंकि कोई चॉइस ही नहीं थी, मैं इतनी देर खेत में बैठी थी ना रूडो के साथ, एंड आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेडिटेट। सो मेडिटेट इज़ ए बिग वर्ड, ठीक है, मतलब ऐसे मैं नहीं बोल सकती वो मेडिटेशन थी, बट मैंने मतलब इतना रिलैक्स किया, यू नो, वहाँ पर आई शो यू, आज तो नहीं जा पाऊँगी, वहाँ से ना स्ट्रीम भी बहते पानी, तो उसकी आवाज़, बर्ड्स की आवाज़, सामने जंगल है, और रूडो इतनी देर तक मेरे पास बैठा हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। लेकिन झूठ नहीं बोलूँगी, फ़ोन की कमी बहुत मिस हुई। पर अभी जो नज़ारा है, और मैं सुबह से फ़ोन चार्जिंग पे लगाया था, मैं कहा आज तो वैसे भी कुछ नहीं होगा ब्लॉग करने के लिए, बट देर इज स्नो, देर इज स्नो, स्नोफॉल शुरू हो गया है हाटू में। आज का था भी वैसे फोरकास्ट, थोड़ी भी पड़े यार, पड़े तो सही। नानी ने पार से बुलका दिया था, मैंने इसको बस तड़का लगा दिया है। बारिश बारिश हो रही है, बर्फ़ तो नहीं, आई थिंक वहाँ हाइट हाइट पे तो हो रहा है, बट वैसे बारिश ही है। और कल होली है, क्या होली खेलनी है इसी ठंड में। तो मैं लकड़ी लेने आई हूँ, वेदर देखो यार, तो बर्फ ही पड़ जाती। मार्च में भी आग जल रही है, वैसे तो यहाँ पर ठंड होती है मार्च में, होली के टाइम भी वैसे ठंड रहती ही रहती है। मुझे ना पहले बड़ा शौक था ये झोपटी ऐसे तोड़ने का, बट मुझ में ना जोर है भी, बट आई थिंक इसमें टेक्निक इज़ इम्पोर्टेंट, तो ये काम मुझसे नहीं होगा, मुझे छोटू को ही बोलना पड़ेगा, वही करेगा। आ उसी क्लम्सी, आज तो बहुत बोरिंग हो रहा है, क्या व्लॉग बनाऊं। और अब हम लिफ्टिंग करने वाले हैं, आर्म्स वर्कआउट, जो बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, पता नहीं लकड़ी लेने आना, घर से बाहर निकलने का चांस। तब बोरिंग दिन है, कुछ कुछ नहीं कर रहा, पर अभी थोड़ा मौसम साफ हुआ है, सो लेट्स गो फॉर अ वॉक। Oh, he's crying. क्या? I can't open him. आपको पता ना अभी अभी भी गए नीचे लोग गए और किसी बात कर रहा था, ये गलती से खा लिया किसी को। ये बम्स में ना बाइट करता है। ये he bites in your butt cheek. How could you say that? के लिए बनाया था, बट इसको इसमें अच्छा नहीं लगता, और ये कितना सुंदर लग रहा है, इतना क्लियर लग रहा है, सब कुछ खुद नहीं खोलेगा बेटा, उसे आपको ही खोलना पड़ेगा। हाय, इतनी शांति, इतना पीसफुल। रूडी हाय, अच्छा 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 हु इज हैप्पी, हु इज हैप्पी, नाउ आई विल स्लैप यू, आई डू नॉट मेक हिम गो अवे। आपको ये लगी थी खोलो रूडो को, खोलो रूडो को, मैंने कहा था वो भाग जाएगा और वो भाग गया, सो Shut up. You said कि मामा प्लीज खोल दे। अब आप वहां खड़े रहोगे, उसको सुनाई देगा दैट यू आर आउटसाइड, वो तो चू चू करेगा एक ही, मुझे कोई खोल दे। तोड़ो मत बाबा। क्या हुआ ये? आप ये नहीं तोड़ सकते हो, आपको सुनाई दे रहा है कह रहा, हाँ अब पता लग गया ना,
यू हैव टू रिस्पेक्ट नेचर. आपका मन क्या आप तोड़ते रहो? मैं बहुत सारी तोड़ रही. क्यों? I didn't know. क्या मतलब आप तोड़ोगे क्यों? लेकिन आपको पता है ना प्लांट्स भी लिविंग होते हैं ना, इसी में फ्रूट लगना है ना. पेड़ में ही लगता है ना. क्या चेरी कहाँ उगती है? पेड़ में. एप्पल कहाँ उगता है? पेड़ में ना. अगर आप ये ब्रांचेस तोड़ते रहोगे इस तरह से तो क्या लगेगा? कुछ भी नहीं. फिर आपको ये नहीं तोड़ने हैं. ओके. नो सेल. व्हाट? सेलिंग इज नॉट इवन योर थिंग. वो आपको नहीं सोचने, आपका कंसर्न नहीं है वो. आप नहीं तोड़ोगे. दैट्स इट. सुनाई दिया? हम चलते हैं अपने फेवरेट मेडिटेशन स्पॉट पे. क्या मेडिटेशन? या हम थोड़ी देर बैठेंगे विदाउट फोन, विदाउट टॉकिंग. वी विल बी क्वाइट. चुप रहेंगे हम और थोड़ी देर हम एयर को फील करेंगे. ठीक है? चलो. ये मेरा फेवरेट स्पॉट है. हाँ, आगे जाके वहाँ एंड में रुको. बिकॉज यहाँ से ना वो आगे जंगल भी क्लियर दिखता है और एक स्ट्रीम है, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी आती है. सो और हम अपना व्लॉग भी यहीं एंड करेंगे फ़ोन बंद करके. पहले मैं दिखा दूँ हम कहाँ बैठने वाले हैं. दिस इज़ द स्पॉट. वो आगे जाके दिखाती हूँ. Biggest, beautiful, most peaceful mountain in the history of the world.